भाइयों मेला लगा हुआ है, बहुत विशाल मेला, और कई कंपनी के यहाँ ट्रैक्टर भी आए हैं, कई कंपनी के यहाँ मशीन भी आई हुई हैं, पावर वीडर वगैरह भी आए हुए हैं। लोहान कंपनी जो है उसका पावर वीडर भी आया हुआ है, और ट्रैक्टर मशीन ने बहुत मशीन ने 3 दिन से मेला लगा हुआ था, आज का 3रा दिन था, आज मेले का आखिरी दिन है जी। और बहुत ही बढ़िया मेला जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी में जो है अखिल भारतीय किसान मेला लगा हुआ है। यहाँ किसान आए, आके इन्होंने बहुत कुछ देखा, जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मॉडल बना रखे हैं कि देखने लायक चीज़ है भैया। यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मेला जो है हर साल अक्टूबर में और मार्च में, पिछले 3 साल से मेला नहीं लग रहा था, लेकिन पिछले कोरोना की वजह से जो है मेले में जो है लगने में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई, इस वजह से मेला नहीं लग पाया। ये देखिए मशीन, ये आलू की बिजाई मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आदमी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप आलू उठाती है, अपने आप ही जो है आलू की बिजाई करती है। ये शक्तिमान कंपनी की मशीन है, और ये कम से कम भी 2-2.5 लाख रुपये की मशीन होगी। हम ये देखिए इसके कप हैं जो आलू को उठाते हैं और जो है इसके अंदर डाल देते हैं कूड़ के अंदर। इसके लिए ट्रैक्टर भी बड़ा ही चाहिए होता है, जैसे ये है अर्जुन नोवो 605, बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वालिटी का ट्रैक्टर है, 60 HP में ट्रैक्टर आता है, और एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर है। और ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया उम्दा मशीन में जो है, ये देखिए उधर लोहान कंपनी का पावर वीडर है, और ये एग्री जोन का एक स्टॉल है, इनके लेजर लेवलर आते हैं, बहुत ही बढ़िया लेजर लेवलर इनके होते हैं, अलग अलग कंपनी के। देखिए सभी बढ़िया है, और तो सब अपनी अपनी सोच है, चाहे को कैसा भी लो, अलग अलग कंपनी का अलग अलग काम है, अलग अलग नाम है। देखिए आप अपने गन्ने की जुताई निराई गुड़ाई, ये लोहान कंपनी का है जी, लोहान इक्विपमेंट के नाम से आता है, मुजफ्फरनगर में ये मिलता है जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में। तो पावर वीडर है, 8 HP का डीजल इंजन है, 1.5 लाख रुपये इसकी कीमत है। कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर और ये रिजर्व, आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हो, कूड़ भी निकाल सकते हो, और ये रोटावेटर लगा हुआ है, इसमें आप गन्ने की जुताई भी कर सकते हो बड़े आराम से। और ये RMD है, रेटून मैनेजर इसको बोलते हैं, ये भी लोहान वालों का है, ट्रेंच मेथड जो है जो गन्ना लगाते हैं उसमें काम करता है। ये आपके जो बेड बने होते हैं उनकी चढ़ाई होती है गन्ना कटने के बाद, इससे रेटून मैनेजर से उसकी कटाई करते, पेटी की जो फुटा होता है बहुत अच्छा होता है। और ये साथ में आप इसमें जो है खाद की मशीन भी दी हुई है, खाद भी आप अपने साथ साथ जो है खेत में इसमें डाल सकते हैं। ये फाड़ी लगी हुई है इसमें, इन फाड़ियों की मदद से जो है वो खाद जो है ज़मीन के नीचे जाता है, जिससे जो है जड़ों के पास तक वो पहुँचता है, धूप नहीं लगती, वो उड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता, मतलब धूप में खाद खराब हो जाता है, ये उसके बचाव के लिए इसका बहुत फ़ायदा है। ये भी काफ़ी महंगी मशीन है पर फ़ायदेमंद है, जो ट्रेंच का गन्ना लगाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये कैप्टन कंपनी का ट्रैक्टर है, जो मिनी ट्रैक्टर होते हैं ये इनकी रोटावेटर है। और ये ताऊ बलजीत की मशहूर जलेबी की दुकान, भाइयों जलेबी बड़ी गजब है, ये खाने में बड़ी 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 जलेबी बनाता है ताऊ बलजीत, देखो जरा ये बन रही ताऊ बलजीत की जलेबी, ताऊ देसी घी में बन रही जलेबी, देसी घी में भाई वाह, फर्स्ट क्लास जलेबी है ताऊ की है, और ताऊ की मशहूर जलेबी कई साल में खाने को मिली अब क्या भाई। आज मेले का आखिरी दिन था, इसलिए यहाँ से सब जो है स्टॉल इधर उधर जा रहे हैं अपने उठ के, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला मेले में। जो भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।